नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे टायर फूलने के बारे में। तो दोस्तों, कभी कभी आपने देखा होगा कि हमारी गाड़ी का कोई टायर फूल जाता है, टायर में बल जा जाता है या टायर डीशेप हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है। और हमें इसका तब पता लगता है जब हमारी गाड़ी में बबलिंग शुरू हो जाती है या गाड़ी में किसी अजीब तरह की साउंड की प्रॉब्लम आ जाती है। तो दोस्तों, ये टायर क्यों फूल जाते हैं, क्या कारण होता है टायर फूलने का, टायर में बल जाने का, इसके बारे में ही आज मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, मैं हूं लीला सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अलाइनमेंट गुरु। तो आइए दोस्तों, आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों, टायर फूलने के कुछ कारण होते हैं। उनमें से सबसे पहला कारण है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, यानी टायर को बनाते समय रबर में कोई कमी रह जाती है जिससे टायर फूल जाता है या टायर में क्रैक आ जाता है। ऐसी कंडीशन में आप टायर कंपनी से क्लेम ले सकते हैं और जितना परसेंटेज आप टायर को यूज कर लेते हैं उतना परसेंटेज आप पे करके आपको एक नया टायर मिल जाता है। और दूसरा कारण होता है टायर फूलने का, जब टायर में कोई चीज़ लग जाती है, टायर में कहीं से इम्पैक्ट आ जाता है, टायर कहीं से डैमेज हो जाता है, टायर ज़्यादा पुराना हो जाता है या टायर की रबर सूख जाती है, तो ऐसी कंडीशन में टायर फूलने लगता है। तो दोस्तों, अब देखते हैं टायर जनरली कहाँ से ज़्यादा फूलता है और क्यों फूलता है। तो पहले बात करते हैं साइड से फूलने की। तो जब टायर कहीं किसी गड्ढे में टकराता है या किसी शार्प एज से टकराता है तो टायर और रिम के बीच एक इम्पैक्ट आ जाता है जिससे टायर की जो अंदर की साइड वॉल है वो डैमेज हो जाती है और टायर वहाँ से फूल जाता है। दूसरा, जब टायर ऊपर टॉप से फूलता है तो टायर में कोई कील या पत्थर लग जाता है या कोई कट लग जाता है जिससे टायर में एयर आ जाती है और टायर की जो टॉप कि जो रबड़ है वो वीक हो जाती है और टायर वहाँ से फूलने लगता है। और तीसरा, जब टायर डीशेप हो जाता है यानी टेढ़ा हो जाता है तो इसमें टायर जब ज़्यादा पुराना हो जाता है तो टायर की रबड़ सूखने लगती है और जो टायर की रबड़ है वो हार्ड होने लगती है जिससे लॉन्ग रनिंग में चलने पर टायर गर्म हो जाता है और उसकी शेप में अंतर आ जाता है, यानी टेम्परेचर को उसके सहने की क्षमता कम हो जाती है जिससे टायर डीशेप हो जाता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि हम कहीं जा रहे होते हैं, इधर से हमारी गाड़ी सही तरह से गई होती है लेकिन उधर से वापस आते हैं तो पता लगता है टायर बबलिंग करने लगता है, ये हमारी गाड़ी बबलिंग करने लगती है और जब हम देखते हैं तो टायर डीशेप हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में टायर की जो रबड़ है वो ज़्यादा पुरानी हो जाती है, टायर की जो नॉर्मली रबड़ होती है वो 3-4 साल के आसपास सही रहती है, उसके बाद उसकी रबड़ में चेंजिंग आने शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से टायर में बल्ज आ जाता है। तो दोस्तों, टायर की वजह से आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।